Assalamu alaikum everybody. In our previous videos and classes we were discussing about plural and singular and plural of nouns or numbers of nouns, and that was our part third. Today we go now to our part four. So here please that Again, a revision that singular and plural noun. A noun that means one thing, one place, or one person is called a singular noun. And a plural noun, a noun that means two or more than two things, persons, or places is called a plural noun. Now, today, we have the number. Today, it's number two, set number six. Some irregular nouns. Irregular nouns become plural by internal change in vowels. Yani, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंदरूनी वावल्स में हम चेंज करेंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल फूट, यहाँ पर ओ ओ टी, एफ ओ ओ टी. सो इनके इंटरनल वावल्स, यहाँ पर डबल ओ है, ओ को हमने ई में चेंज कर दिया, एफ ई ई टी, फूट से फीट, सिंगुलर से प्लूरल बाय इंटरनल चेंज इन वावल्स. गूज, गीज, लाउस, लाउस, जैसे वो क्या होते हैं, जोए, जैसे कहते हैं जोए, लाउस सिंगुलर, इंटरनल चेंज कर दिया, यू को क्या कर दिया, यू को आई में चेंज कर दिया, इससे सी बन गया, लाउस लाइस. मैन, मेन, ए ई, मैन मेन. हाँ, इस तरह माउस, माइस, टूथ, टीथ, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको इरेगुलर नाउन्स कहते हैं. इनके अंदरूनी वावल्स में से थोड़ा बहुत चेंज करके ये क्या बन जाते हैं, ये प्लूरल बन जाते हैं. इसको आपने जेन नशीन करना है, आपने साथ नोट भी कर दीजिए. इन सेट नंबर सेवन हियर सम नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग ई एन. ये चीज नोट कीजिएगा, बाय एडिंग ई एन. सम नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग ई एन. कुछ नाउन ऐसे है जिसके साथ हम ई एन का इजाफा करेंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, ब्रदर के साथ आप ब्रदर्न, चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल. इस तरह ऑक्स सिंगुलर, ऑक्सेन प्लूरल. ई एन के इजाफा करने से, ई एन का इजाफा करने से, ई एन का इजाफा करने से ये सिंगुलर से प्लूरल बन गए. हाँ, इस तरह इन सेट नंबर एट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दीज नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल टू. ये जो नाउन्स है ये सिंगुलर भी है और साथ में ये प्लूरल भी है. जहाँ आपने सिंगुलर इससे मुराद लेना हो तो वहाँ बतौर सिंगुलर यूज़ करें, जहाँ आपने प्लूरल इससे मुराद लेना हो वहाँ बतौर प्लूरल इस्तेमाल करें. लेकिन ये गलती कभी ना करें कि इसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा कर दें. जहाँ आपने प्लूरल में इसको लिखना हो या प्लूरल में बताना हो, तुम्हारा मकसद बताने का प्लूर बतौर प्लूरल हो, तो वहाँ पे एस या ई एस का कभी इजाफा नहीं करना. हमारे अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, डियर को डियर्स जमा बना देते हैं, तो डियर से डियर्स नहीं, डियर सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है. जहाँ आपने इसको बतौर जमा यूज़ करना हो तो बी डियर भी यूज़ करेगा कीजिएगा, और अगर आपने बतौर सिंगुलर यूज़ करना हो तो भी डियर यूज़ कर दीजिएगा. डोजन, ट्वेल्व, अक्सर स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं, ट्वेल्व, ट्वेल्व डोजन्स, वन डोजन, वन डोजन रॉन्ग, टू डोजन्स रॉन्ग, नो, वन डोजन, टू डोजन, थ्री डोजन, फोर डोजन, फाइव डोजन, जितना भी हो बस डोजन. फिश, फिशेज नहीं, बस फिश, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, फिश, फिश. हेयर, 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 हेयर्स, नो हेयर्स, हेयर. फैसा, फैसा, नो फैसाज, नो पैसे, फैसा, बस फैसा, सिंगुलर भी प्लूरल भी. शीप, 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 सिंगुलर भी शीप प्लूरल भी शीप, शीप से शीप.
एंड न्यूज. न्यूज ये एस ये सिंग बतौर सिंगुलर भी यूज होते हैं, बतौर फ्लूरल भी यूज होते हैं. न्यूज बस न्यूज ही है, सिंगुलर भी है फ्लूरल भी है. एंसर नंबर 9 हियर, एड एस विद द मेन फॉर्ट ऑफ कंपाउंड नाउन टू में. कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहे तो उधर थोड़ा सा उसका जो मेन पार्ट होता है, उसका जो अहम हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दे. उसके साथ क्या चेंज करना है, बस एस लगा दे और वो प्लूरल बन जाएगा. यानी कि एड एस विद द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन टू मेक प्लूरल, इट विल बिकम प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ. सो इसमें मेन पार्ट क्या है, मदर ही है ना. सो मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ. सन इन लॉ, मेन पार्ट क्या है, सन ही है ना. सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ. इस तरह सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ. ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स. मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स. मैन से मैन और सर्वेंट के साथ इस लगा दिया, मैन सर्वेंट्स. क्लास फेलो, क्लास फेलो, क्लास फेलोज, क्लास फेलोज, क्लास फेलोज. स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप सन्स. आज के लिए बस इतना ही काफ़ी. अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कर दीजिएगा, और बाद में आखिर में मैं फिर आपसे वो रिक्वेस्ट करूँगा. अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर देना. नोट कर दीजिए. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो सून, इंशाल्लाह आई विल मीट यू अगेन. सी यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू.